हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी फैली हैं यह आप आए दिन ही हमारी खबरों में देखते और सुनते रहते हैं, और इसका सबूत नेता अधिकारी बीच बीच में अपनी कारगुजारियों से देते रहते हैं। जनपद पंचायत सिरमौर सीईओ और विधायक कांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि जनपद पंचायत रीवा की सीईओ रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुकी हैं। जनपद पंचायत रीवा भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है, यहां नेताओं के रिश्तेदार कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर काम कर रहे हैं। फर्जी भुगतान अधिकारियों का शोषण लगातार जारी है और सब यह हो रहा है सफेद पोशों के दबाव में। हद तो तब हो जाती है जब जनपद पंचायत की सीईओ खुद जनपद के ही अधिकारियों से घूस मांगने लगती हैं। तब आप समझ सकते हैं कि जिले में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। दरअसल जनपद पंचायत रीवा में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। जनपद की दुकानों के एडवांस से लेकर विवाह सहायता खरीदी बिक्री, जनपद में मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों का खेल किया गया है। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन जांच होती इसके पहले ही पापों का घड़ा भर गया और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय लक्ष्मी मरावी अपने घूसखोर बाबू महेंद्र वर्मा के साथ लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गई। दरअसल जनपद पंचायत में पदस्थ अधिकारी संजीव पांडे बीमारी से ग्रसित है, जिनका उपचार मुंबई में हुआ, लेकिन संजीव पांडे सिर्फ इसलिए जनपद सीईओ के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे क्योंकि वह इनकी मनमानी नहीं मानते थे, जिसके चलते ना तो उनकी सैलरी दी जा रही थी और ना ही बिल पास किए जा रहे थे। बिल पास कराने पर जनपद अधिकारी रिश्वत की मांग कर रही थी। बीमारी से परेशान अधिकारी ने उक्त मामले की शिकायत लोकायुक्त से कर दी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और 5000 रुपए की रिश्वत लेते विजय लक्ष्मी मरावी और लेखा अधिकारी बाबू महेंद्र वर्मा को धर दबोचा गया। आइए दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं पीड़ित के साथ पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को, जिनके द्वारा कई घूसखोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है। पीछे का खोल लो, पीछे खोलो। संजीव पांडे, ये किस बात से पैसा आपसे मांगा जा रहा था? हमारा ऑपरेशन हुआ था किडनी और हार्ट का, ये हाइड्रोसिल हार्डिया हाइड्रोसिल का, और माह अक्टूबर माह नवंबर की वेतन इन्होंने नहीं दिया और गुमराह कर रही थी। फिर इसके बाद इशारे से पैसा, इसके बाद आज इन्होंने 2 महीने में मिला, लगातार मिलता रहा इनसे, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो। इसके बाद मैं इनसे, मेरी किस दो दो घर का लोन का बाउंस हो गई, मेरी बेटी इंदौर में पढ़ रही है, उसको पैसे देना था, सारे खर्चे 2 महीने से नहीं मिल रहा, और डॉक्टर को 60,000 रुपये मैंने डॉक्टर को पेमेंट किया, एडमिट था जी, 2 बार एडमिट हुआ, मैंने सूचना दी इनको, लिखित सूचना दिया, इसके उपरांत नहीं देना है, इसका वेतन नहीं देना है, इसका नहीं देना है, देना क्यों नहीं था, पैसे चाहिए जी। तो किसके माध्यम से मांगा गया था, खुद मांगी थी या फिर कोई और? हाँ, इशारा की कागज़ में लिख के काट देती थी, कागज में बाबू से मिल लो, फिर मैं बाबू से मिला, 3 दिन मिला, 4 दिन मिला, और फिर आज इन्होंने 5000 रुपये लिए और बाबू ने 1500 रुपये लिए। आप किस पद पे हैं वहाँ? हम PCO हैं। आप वहाँ कर्मचारी हो? हाँ, कर्मचारी हैं जी जी, बिल्कुल मैं कर्मचारी हूँ। क्या वो आदतन ऐसी सबसे मांगती रहती है काम के लिए क्या? हाँ, कर्मचारी हमसे तो लिया, अन्य लोगों से भी है, पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, रखी उनके टेबल में भी रखी हैं, 3 महीने से गुमराह कर रही हैं, अन्य लोग भी हैं पीड़ित, ऐसा नहीं कि मैं भी पीड़ित हूँ। यानी यहाँ पे बिना पैसे कोई काम नहीं? नहीं नहीं नहीं, सभी को ऐसे प्रताड़ित? नहीं, सारा मेडिकल बिल इन्हीं के टेबल में वहाँ रखा था, छुपा के रखी थी। जिला पंचायत के नाम से पैसे की मांग होती है? अपने अदर लोग होंगे, अपने जो मुद्दे होते हैं, हमसे हमारा मेडिकल मेडिकल लीव सैंक्शन के लिए 2 महीने से वेतन रोक के बैठी थी, मैंने 28 नवंबर को ज्वाइन के साथ दे दिया विधिवत,
इसके बावजूद मैं मिला नहीं दे रही थी पैसे के लिए। इसमें एक आवेदक हैं संजीव पांडे, ये परियोजना समन्वयक हैं जिला पंचायत जनपद पंचायत रीवई में, ये वहीं जॉब करते हैं। तो इनका हॉर्निया का और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेडिकल लीव लिया था। मेडिकल अवकाश पे जाने के बाद जब ये स्वस्थ हो गए थे वापस आए, तो उसमें माह अक्टूबर और नवंबर का इनका 2 माह का वेतन रुका हुआ था, जिसके संबंध में इनने सारे पेपर लगाए थे अपने इलाज के और बाप मांग की थी कि मेरा वेतन निकाला जाए। उसी वेतन निकालने के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में जो है सी ओ जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी और जो है दूसरा जो बाबू हैं उनके महेंद्र वर्मा, इनके द्वारा जो है क्रमशः 5,000 सी ओ ने और 1,500 उनने रुपए की मांग की थी। तो आज दोनों को जनपद पंचायत कार्यालय रीवई में ही 6,500 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग के द्वारा जो है पकड़ा गया है। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं।